brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आम आदमी पार्टी या भाजपा के खिलाफ एक नए आरोप को लेकर आई है। ये आरोप अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की जान लेने की साजिश रच रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद चाहे आतिशी हो या फिर मंत्री सौरभ भारद्वाज हो, उन्होंने भी इसी आरोप को दोहराते हुए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन के अंदर, जिनमें पटेल नगर और साथ ही साथ राजीव चौक जैसे अहम मेट्रो स्टेशन शामिल हैं, मेट्रो के अंदर और मेट्रो प्लेटफॉर्म पर अरविंद केजरीवाल को धमकी भरे संदेश लिखे गए हैं। अब इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग कार्रवाई करे। इस बीच सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताया कि चुनाव आयोग से मुलाकात का समय मांगा गया है और एक ईमेल आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों ने चुनाव आयोग को लिखकर इस धमकी भरे संदेश के बारे में अवगत कराया है। आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग से चाहती है कि पूरे मामले में एक जांच की जाए और सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन ऐसे वक्त पर जब दिल्ली में 25 मई के दिन वोटिंग होनी है, समय अब बेहद कम बचा है, प्रचार प्रसार में तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के इस आरोप के बाद देखना यह भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन इतना जरूर है कि आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला वोटिंग से पहले और भी तेज होने वाला है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन।